नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। मैं सूरत राजस्थान से हूँ। तो मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा यानी ऑल बाय वॉक यानी पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो आज उसका 71वां दिन है यानी 71 डे हो गए मुझे, मतलब 70 दिन से ऊपर हो गए मुझे। तो मैं कल शाम को हनुमान जी का मंदिर था, यहाँ पर आया था। तो मुझे यहाँ पर सोने को मिल गया था ये, तो मैंने अपनी नींद निकाल ली थी पूरी रात में। और खाना एक भाई को मैंने कॉल किया था आसपास के गाँव से, नहीं आसपास गाँव के भाई लोग आए थे, मैंने उनको बोला कि खाना मुझे खाना है। तो उसने मतलब अपने घर से लेके आए थे, मैंने खाना खा लिया था। बाकी यहाँ से आज जा रहा हूँ मैं उज्जैन, महाकाल की नगरी में। बोलते सुकून आता है तो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो चलते हैं, और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो चलते जल्दा जितना जल्दी हो पाएगा उतना उज्जैन हम पहुँचेंगे, और वहाँ पर क्या व्यवस्था बन पाती है वो आपको आगे शेयर करते हैं। बाकी महाकाल का, भोलेनाथ का नाम लेके अपनी यात्रा चालू करते हैं। बाकी मैंने अपना जो बैग पैक है एकदम पूरा पैक कर दिया है। बाकी चलते हैं फटाफट, ये बिस्तर वगैरह समेट के फिर चलते हैं यहाँ से। मंदिर ये हनुमान जी का है, वो शिव भगवान का और वो श्री राम का, तीन मंदिर है आमने सामने। और मैं जाऊँगा यहाँ से, और मैंने दर्शन कर लिए है तो भी मैं वीडियो बना के दर्शन करके, फिर भी मैंने बैग तैयार करके पूरा और चल पड़ा हूँ यहाँ से। तो चलते हैं उज्जैन की तरफ। तो पूरा रोड तो आपको पता ही है ख़राब है पूरा, अभी तक पता नहीं कितने किलोमीटर तक होगा, पर देखते हैं। पूरा धूला धूला उड़ता है ना तब प्रॉब्लम आती है। और रात को मैं एकदम आया था, मैंने कहा ना लूँगा, पर मैं नहाया नहीं हूँ यार, 2-3 दिन हो गए हैं। देखते उज्जैन जाके वहाँ नहाएंगे महाकाल की नगरी में। बाकी यहाँ पर भी एक साधु संत है, उनकी समाधि है ये, तो इतना बड़ा ग्राउंड है, चलते ठीक है ना। तो अभी बज रहे 11:30 और यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है उज्जैन, ठीक है, शाम तक कवर कर देंगे। बाकी गर्मी बहुत है, अभी जाके कुछ ऐसा रोड आया है तो इसके अंदर चलने में तो मैं साइड में ही चलता हूँ, कंकड़ होते हैं ऐसे तो चलता है। मैं ना कि धूला नहीं उड़ता इसके ऊपर, ना पीछे तो धूल धूल हो के पूरा शरीर भर गया। अभी जाके नहाऊंगा जैन में, पहले रहने की जगह देखनी पड़ेगी, उसके बाद अभी चलते हैं। अभी 1:30 बज रहे हैं और 9.5 किलोमीटर है, यानी 10 किलोमीटर मान लो, 9.5-10 किलोमीटर बचा है। तो अभी 2-3 घंटे लगेंगे, तो शाम तक तो हो जाएगा, आराम आराम से जा रहे हैं आज। बाकी कुछ ऐसा रोड है, रेस्ट लिया है 4-5-10 मिनट का, फिर चलते हैं यहाँ से उज्जैन। अभी उज्जैन अभी 7.5 किलोमीटर दूर है जो मंदिर पर जाना मुझे, तो चलते हैं वहाँ पर। बाकी गन्ने का जूस पी लेते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड आया है, बोरा बोर्ड, इसके ऊपर उज्जैन 3 किलोमीटर, और यहाँ से गूगल मैप पर मैंने जो लगाया है महाकालेश्वर का मंदिर, वो 6 किलोमीटर दूर है, यानी उज्जैन की बॉर्डर 3 किलोमीटर दूर है। और अभी अंदर पूरा उज्जैन के बीचों बीच में है महाकालेश्वर मंदिर, चलते हैं। और इंदौर यहाँ से 50-52 किलोमीटर दूर है, तो 2-3 दिन लगेंगे। कल मैं पूरे महाकाल के यहाँ ही रहूँगा और परसों निकलूँगा इंदौर की तरफ, तो चलते हैं। यहाँ ये ब्रिज आया, ब्रिज की कंडीशन ठीक ठाक ही है। अभी जो है ये उज्जैन है, मुख्य उज्जैन का, पूछे बीचे एक मंदिर पे गया बहुत बड़ा हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी। बाकी उज्जैन है यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है जो मतलब मंदिर है, यहाँ से कम होगा 3.5-4 किलोमीटर दूर महाकालेश्वर मंदिर, तो वहाँ चलते हैं। और एक भाई से बात हुई है, एक सर से बात हुई है, वो RSS से जुड़े हुए हैं, तो वो शायद भारत माता मंदिर में करवाएंगे आज, तो चलते हैं वहाँ पर। वो मेन गेट आया वहाँ पर महाकालेश्वर का। तो फाइनली मैं आ गया हूँ, मतलब ये भारत माता मंदिर के पास, यहाँ पर गेस्ट हाउस है अतिथियों के लिए, तो यहाँ पर चार्ज लगता है। पर मैं RSS से मतलब पहले जुड़ा हुआ था, तो ऐसे अभी लोग मेरे से जुड़े हैं तो उन्होंने ऐसे करवाया है, तो थैंक यू सो मच। तो आज मैं यहाँ रहूँगा, कल भी इधर रहूँगा, और परसों यहाँ से मैं परसों यहाँ से निकलूँगा इंदौर की तरफ, तभी मैं उज्जैन में हूँ। अभी नहाऊँगा धोऊँगा और फिर मैं जाऊँगा महाकालेश्वर मंदिर शाम को। जय महाकाल।
यहाँ पर लाइट लगी हुई है, तो ये अलग अलग रंग बदलते रहते हैं इसके, देख लो बहुत अच्छा लगता है। बाकी ठीक है, अभी शाम हो गई, कल नहीं होगी, चलो ठीक है।